आई एम लिटिल निकिता मास्टर शेफ। मैं आपको रोटियां बनाना सिखाऊंगी और पराठे। हम सबसे पहले आटा लेते हैं, फिर हम इसमें एक चम्मच नमक डालते हैं, अब हम इसे हिलाते हैं। हम अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब हम इसका आटा लगाते हैं। आटा तैयार हो चुका है, हम अब इस आटा लेंगे। हम अब रोटी को सेक रहे हैं। धीरे धीरे हम इसे इधर से उधर चेंज करेंगे। अभी पूरी तरह से पक चुकी है, अब हम इसे लेते हैं। हम अब बनाएंगे पराठा। अब हम थोड़ा सा आटा लेते हैं, अब इसे हम अब हम इसको पलटेंगे। आप ये जो सामने देख रहे हैं वो आपके सामने एक रोटी के साथ साथ पराठा भी बनेगा। अब हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हो सामने बटर है, ये नन्ही सी लड़की जिसकी उम्र 5 ईयर्स है ओनली, इसने उसके हाथों पे इतना कमाल है कि ये कुछ भी बना सकती है। देख रहे हो आप सामने, अब ये रोटी से पराठा बनने जा रहा है। बस थोड़ा सा बटर लगाना है, बस बटर के बाद में फिर आप इसको फैलाना है।
ये आपका बन जाएगा सादा सिंपल पराठा। उसके बाद हम तवे पर रखने के बाद में थोड़ी देर बाद में इसको पलटना है और ये बन जाएगा बिल्कुल शानदार और स्वादिष्ट पराठा। ये है नन्ही सी 5 इयर्स लिटिल मास्टर सेफ जो आपको कई प्रकार के पकवान बनाना सिखाएगी, जैसे सब्जी है, कई प्रकार के स्वीट है, कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक तो अभी आप देख रहे हो ये पराठा बन के तैयार हो गया कुछ ही मिनटों के अंदर, लाजवाब और स्वादिष्ट। अभी पक चुका है, अब इसमें से फिर हम थोड़ा सा आटा लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। हम इसे फिर पलट देंगे। अभी पराठा तैयार हो चुका है। हमने भी कुछ टाइम पर ये सब्जी बनाई थी। और ये पराठा भी तैयार हो चुका है। हालांकि इसे बटर से अच्छी तरह अंदर डाल कर रखा। अब ये कंप्लीट खाना हो चुका है, ये परवल काचरी की सब्जी और ये पराठा। ये परवल काचरी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है और पराठा भी बहुत स्वादिष्ट बना है।